आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा राजाओं की पुस्तक दूसरा अध्याय वचन 1-14। जब यहोवा एलिय्याह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिय्याह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू तो यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। एलीशा ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए और यरीहोवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलीशा ने उससे कहा, यहोवा मुझे यर्दन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यर्दन के किनारे खड़े हुए। तब एलीशा ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलीशा ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलीशा ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलीशा बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इसराइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए। फिर उसने एलीशा की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यर्दन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलीशा की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलीशा का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया।